हेलो फ्रेंड्स, दिस विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे नीट पीजी 2022 पोस्टपोनमेंट के लेके। ऑलरेडी इस पे मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, इस पे काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुए थे, काफी नेगेटिव कमेंट्स भी मुझे आए थे, लायर और ब्ला 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 गया था, तो मैं उसको यहाँ पे तो नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डोंट डू। बात करते हैं कि मैंने बोला क्यों था, कि अभी भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि चांसेस हैं कि आपकी नीट पीजी 2022 पोस्टपोन हो जाएगा। रीजन क्या मैंने वहां पे दिया था, ऑलरेडी आपके 8000 इंटर्न्स हैं जिनकी इंटर्नशिप आपकी मार्च एंड में जाके कंप्लीट होगी, सो दे वोंट बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ये एक रीजन था। दूसरा, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब आपकी ऑलरेडी एक काउंसलिंग चल रही है, उस काउंसलिंग के बीच में दूसरा एंट्रेंस एग्जाम आप कैसे ले सकते हो। अगेन यहाँ पे मैंने काफी सारे पॉइंट डिस्कस भी किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहां के जाके देख सकते हो। इसके बाद मैंने आपसे ग्रुप की बात की थी रिगार्डिंग नीट पीजी पोस्टपोनमेंट 2022 करके, एक टेलीग्राम पे ग्रुप था उसकी भी जिक्र की थी मैंने उस वीडियो में। आज के सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया है रिगार्डिंग योर पोस्टपोनमेंट। जी हाँ, इसकी डायरी नंबर और सारी रिसिप्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप इससे इस केस को कॉन्टिन्यूसली आप चेक कर सकते हो कि क्या इसमें फाइल क्या हो रहा है, क्या अपडेट आ रहे हैं। इवन इनके टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके इनको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में दे आर लैकिंग सम फंड्स एज वेल, तो अगर आप इनको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उस ग्रुप में जाके आप चीजें एडमिन से पूछ के या वहां पे QR कोड शेयर होता रहा है, आप उन चीजों पे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इस PIL की माने तो अगेन एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन बच्चों के लिए, इन जूनियर डॉक्टर्स के लिए जो नीट पीजी पोस्टपोनमेंट के लिए देख रहे हैं। अभी देखते हैं ये PIL कितना क्या इफेक्ट करती है, कितना इफेक्ट डालती है, बट हाँ अभी भी चांसेस है, मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट रहा हूं, अभी भी मैं चीजें बोल रहा हूं कि 99% चांसेस है कि नीट पीजी 2022 आपका पोस्टपोन होगा। बट लेट्स सी, अगेन मैं हमेशा की तरह वही बोलूंगा कि मैं NMC ऑफिशियल नहीं हूं, मैं कोई ऑफिशियल पर्सन नहीं हूं जो ये चीजें बोल सकता हूं। लेकिन हाँ, ये PIL बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी इन लोगों को, क्योंकि एक एग्जाम के बीच में दूसरा, एक काउंसलिंग के बीच में दूसरा एंट्रेंस लेना, थोड़ा सा आप भी समझ सकते हो कि ये कैसी चीज हो जाएगी। देखते हैं PIL की सुनवाई कब होती है, डेट कब मिलता है। लेकिन हाँ, PIL को एक्सेप्ट कर लिया गया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन डॉक्टर्स के लिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, इस टॉपिक पे भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहूंगा, कंटिन्यूअसली आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन आप इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जरूर रखें, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आपको वहां पे अपडेट मिलता रहेगा, बाकी मैं तो देता ही रहूंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन अदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।